ए आर स्वीट फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इजी पैसा की न्यू अपडेट। 2023 की जो न्यू अपडेट आई है उसके मतलब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अपडेट के बारे में कम्प्लीट गाइड किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका इजी पैसा में बैलेंस है तो आपका ये अपने बैलेंस को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, आपका बैलेंस में मंथली जो कटौती होना स्टार्ट हो गई है वो कौन सी है, वो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे मैं इजी पैसा ऐप को ओपन कर लेता हूँ। जैसे भी इजी पैसा ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेरा बैलेंस शो हो रहा है। बैलेंस शो होने के बाद यहाँ पे मैं अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को ऑफ क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 15 रुपीज़ जो हैं 1 जनवरी से कट होना शुरू हो गया है, ठीक है। 1 जनवरी से यहाँ पे मेरे 15 रुपीज़ जो कट हुए हैं वो किस चीज़ के कट हुए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे SMS अलर्ट चार्जेस टेलीनो इजी पैसा ने जो है ना SMS अलर्ट चार्जेस के यहाँ पे हमारे 15 रुपये कट कर लिए हैं, ठीक है। इसी के मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1 जनवरी 2023 के बाद हर मंथ आपके अकाउंट से 15 रुपये कट होते रहेंगे, ठीक है, SMS अलर्ट चार्जेस की मद में आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इजी पैसा के शेड्यूल फीस के बताने के बताना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप यहाँ पे इनकी अपडेट भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मेरी हिस्ट्री में भी दे सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जो मेरे कट हुए हैं वो यहाँ पे आप शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इजी पैसा ऐप को बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर मैं 3 लाइन्स पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने 3 लाइन्स पर क्लिक कर देना। जैसे आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो आपने नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको फीस डिटेल का ऑप्शन शो हो रहा है, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे फीस डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको जितने भी शेड्यूल चार्जेस होंगे इटेलिनाइजी पैसा के वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने क्या करना है, जो लेटेस्ट जो इनका न्यू अपडेट आई है SMS अलर्ट चार्जेस के लिए, आपने सबसे नीचे आ जाना है, 7 नंबर पेज पर आ जाना है, ठीक है। ये 1 पेज ओपन हुआ तो आपने 7 नंबर पेज को ओपन कर लेना है। नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद जैसे आप 6 नंबर वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 नंबर पे जो इनके न्यू अपडेट है। जो यहाँ पे मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इनके यहाँ पे SMS अलर्ट चार्जेस के डिटेल भी यहाँ पे बताई हुई है कि 15 रुपीज़ हर मंथ के हर निजी पैसा अकाउंट होल्डर के कट होते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके हर मंथ 15 रुपीज़ SMS अलर्ट चार्जेस के मद में कट ना हो तो उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो कैसे आप इसको ख़त्म कर सकते हैं ताकि आपके 15 रुपीज़ हर मंथ के कट ना हो। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने अगर आप इजी टेलीनार के यूज़र हैं, आपने एक अकाउंट टेलीनार पे इजी पैसा का अकाउंट है, तो आपने क्या करना है 3737 पे कॉल करनी है। 3737 पर कॉल करने के बाद आपने उनसे बोलना है कि मेरा SMS अलर्ट चार्जेस को डीएक्टिव कर दें, ठीक है। वो आपके SMS अलर्ट चार्जेस को डीएक्टिव कर देंगे। उसके बाद आपका मंथली जो है ना SMS अलर्ट चार्जेस के 15 रुपीज़ प्लस टैक्स कट नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आप तो नेटवर्क पर अगर आपके जूम पर इजी पैसा के सिम है तो आप यू फोन पे या किसी भी अदर नेटवर्क पर है, उसके लिए आपने यहाँ पे मेरा नंबर आपके सामने शो हो रहा है, इस नंबर पे आपने कॉल कर लेनी है, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करने के बाद आपने ये बोलना है कि आपके इजी पैसा अलर्ट चार्जेस जो हैं वो उसको मैं डीएक्टिव करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास आपकी जूम की सिम है, यू फोन की सिम है, तो आपने इस नंबर से कॉल करनी है। यू फोन और जूम की सिम पे आपका अगर इजी पैसा का अकाउंट है तो आपने इस नंबर पे कॉल करके कस्टमर सर्वर से बात करके अपना इस अलर्ट चार्जेस को डीएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की न्यू अपडेट इजी पैसा के मतलब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रियल ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशन और वेबसाइट और इस तरह की डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ वगैरह और एजुकेशन से रिलेटेड वगैरह वीडियोज़ वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो अपने चैनल को विजिट भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।